चलो बिस्मिल्लाह रहमान। अच्छा बच्चों, अब ये लास्ट वीक के लिए और वही चीज की कंटिन्यूटी में ब्रांच हो गया, ब्रांच की पूरी बना ली थी, अब हेड ऑफिस के ऊपर है और हेड ऑफिस का अब हम लास्ट हिस्से में जा रहे हैं कि हेड ऑफिस की एंट्री बनी भी वही वाली, उसकी हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, याद रखना कि अब लाजमत अगर मैं क्लास में होता तो होता ही है कि मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हुआ चलता साथ साथ, ठीक है ना। तो इसीलिए गैप दे दे के करवाया कि पहले आप ब्रांच का कंप्लीट करके पूरा ब्रांच का सीख लें, फिर आप हेड ऑफिस पे काम करें और अब आप आ जाएं किस पर, हेड ऑफिस के कंप्लीट साइकिल में इनकम स्टेटमेंट पे। अब देखिए किस तरह से हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट है, वैसे ही हेडिंग डालिएगा, जगह सही है। हेड ऑफिस की बुक्स हैं, हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी है December 31st व्हाटएवर, और शुरू कीजिए हेड ऑफिस का सेल्स लिखिए। हेड ऑफिस ने इस वक्त सेल्स की थी 52,500, हेड ऑफिस की सेल्स होगी 52,500, हेड ऑफिस की सेल्स से लेस होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, अब यहां पहले मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मेट लिख दूं, हेड ऑफिस का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जैसे ब्रांच का था उसके मुकाबले में फर्क ये होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगनिंग प्लस परचेजेस फिर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, लेकिन इसी के साथ माइनस होगा हमेशा वो मर्चेंडाइज जो सेंड टू ब्रांच है। अगर आप इसी लम्हे जाके ब्रांच की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखें तो ब्रांच के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बिगनिंग के साथ आप परचेजेस के साथ गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस को ऐड कर रहे थे, तब आता था गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें क्या हो रहा है कि जो सेंड किया था ब्रांच को वो क्या हो रहा है, लेस, यानी वो चीज वहां ऐड हुई थी, यहाँ क्या होगी, लेस होगी। तो अब आप ये देखिए कि सबसे पहले बिगनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी इस सवाल में, वो थी 20,060, हेड ऑफिस की परचेजेस थी 61,250 और इन दोनों को प्लस करके जो अवेलेबल फॉर सेल आ रहा था वो आ रहा था 81,310, जिसमें से एंडिंग लेस करेंगे हेड ऑफिस की एंडिंग थी 24,000 और यहां पर जो गुड्स सेंड किया था 25,000 लिखेंगे। अब यही चीज एक और दफा नोट करिएगा कि जब आपने ब्रांच में ऐड किया था तो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो था वो 30,000 था, यहाँ लेस 25,000 हो रहा है, दोनों में फर्क वही वजह है। कौन सी वजह है, ये ओवर वैल्यूएशन है और यही चीजें अब हमारे नेक्स्ट वीक की जो क्लास होगी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो जब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड। यानी दो चीजें याद रखिए, ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट में गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस परचेजेस के साथ ऐड हुआ था, जबकि हेड ऑफिस में गुड्स सेंड टू ब्रांच एंडिंग के साथ नीचे जाके अवेलेबल फॉर सेल से लेस हो रहा है, वहां अवेलेबल फॉर सेल में ऐड हुआ, यहां अवेलेबल फॉर सेल से लेस हुआ, लेकिन वहां पर बिल्ड प्राइस पर ऐड हुआ 30,000 और यहां पे 25,000 कॉस्ट प्राइस से लेस हो रहा है। यही दो डिफरेंसेस 5,000 ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट बनाते हैं और इसी का काम आगे कंसोलिडेशन में भी होगा। तो ये ध्यान में जरा सा रखते हुए, तो अब इन दोनों को टोटल किया, इन दोनों का टोटल बनता है ये दोनों बल्कि अगर चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, वैसे बनता है 49,000, जिसको आप लेस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है 32,310। उस 32,310 को जब सेल से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है 20,190। 20,190 से माइनस कीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही दो हैं इस वक्त और अमूमन यही दो होंगे, एक नॉर्मल एक्सपेंसेस होगा और एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। एक्सपेंसेस आपको यहाँ जिस तरह निकला सिखाया था
वही वाली वैल्यू आ जाएगी 13,275 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मैंने यहाँ शायद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं लिखा था, क्या रह गया था? ठीक है, टोटल खैर मैंने सही लिखा होगा क्योंकि मैंने वहां से लिखा था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर आएगा कितना था इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 900 रुपए। ठीक है, ये टोटल गलत नहीं होगा, लास्ट क्लास में ये वही रहेगा, 900 रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। तो खैर 900 रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ आया और प्लस किया गया तो टोटल बना हमारे पास कितना, ये आ गया जनाब 14,175। तो कंफ्यूज मत होना यार, मैंने 900 रुपए लिखे नहीं थे लेकिन टोटल मैंने वहां से देख के लिखा था, तो ये टोटल मैंने सही लिखा है। ठीक है, तो टोटल अब बना हमारे पास इन दोनों का इस वक्त यहाँ से लेस होने के लिए बना 14,175। समझ रहे हो ना, वहां से देख के जब मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब है मैंने सॉल्व किया हुआ, लैपटॉप खोला हुआ है सामने। अच्छा, अब जो प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है 6,015 रुपए। ये 6,015 रुपए है जिसको तुम कहोगे प्रॉफिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑपरेशन, कि ये प्रॉफिट जो है वो हेड ऑफिस का है 6,150 जो हेड ऑफिस ने कमाया है। लेकिन इसी प्रॉफिट के साथ तुम्हें माइनस करना पड़ेगा लॉस फ्रॉम ब्रांच ऑपरेशन, के ब्रांच से क्या हुआ था, लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था याद है, 1650। ये यहां से लेस कर दोगे और याद रहे कि अगर आने वाले कल को ब्रांच को लॉस ना हो रहा हो, ब्रांच को प्रॉफिट होगा, तो वो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इसी में प्लस किया जाएगा, देखो लाल से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, प्लस किया जाएगा ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है, क्या प्लस करोगे, ओवर वैल्यूएशन प्रॉफिट जो के था 3,000। आपको याद होगा मैंने भी 3,000 कैलकुलेट करके दिया था, 3,000 का प्रॉफिट। ठीक है भाई, लाल कलर जरा नजर कम आ रहा है लेकिन जरा अलग से लिखाने की वजह से मैं इसको लिख रहा हूं 3,000 का प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दूं भाई, कट गया है थोड़ा। तो ये टोटल जो बनेगा इन तीनों का वो बनेगा 7,365 और ये वही ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट वही होना चाहिए जो तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ये दोनों प्रॉफिट हमेशा बराबर होंगे, लेकिन अब याद रखना हेड ऑफिस के इनकम स्टेटमेंट में ये थोड़ा सा इसी तरह शो होंगे। थोड़ा सा आपके लिए कैमरा अगर उधर कर सकूं, सही है, नजर आ गया? तो ये जहन में रखो कि ये इस तरह से हमेशा ब्रांच का प्रॉफिट और हेड ऑफिस जो है इस तरह से ब्रांच के प्रॉफिट को लेके चलेगा। यानी हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट में तीनों प्रॉफिट अलग अलग शो होंगे। पहले आएगा हेड ऑफिस का प्रॉफिट, उसमें ऐड होगा ब्रांच का प्रॉफिट, और फिर उसमें ऐड होगा ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट। इस तरह शो होगा हमेशा हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट। हाँ, अगर किसी सवाल में ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस ना दिया जाए, ओवर वैल्यूएशन डिस्कस ना हो, तो फिर यहीं पे खत्म हो जाएगा वो सवाल। लेकिन जैसा कि होता यही है कि ये क्वेश्चन एक कंटिन्यूटी में है तो इसमें लाजमी होगा ब्रांच का प्रॉफिट, अगर ना हो तो एक अलग बात है कि आपके पास इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो एक पहले आ गया ये इनकम स्टेटमेंट। अब आ जाइए हेड ऑफिस की बैलेंस शीट की तरफ। हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बना रहे हैं, अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हेड ऑफिस की बैलेंस शीट। किस तरह हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनाने का भी वैसे ही तरीका है जैसे ब्रांच का बनाया था, मगर हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में जो एक चीज नहीं आएगी वो आपने ध्यान में रखना है एक प्रोसेस का जरा सा, क्योंकि हेड ऑफिस में सबसे पहला एक मसला ये है कि इस वक्त ब्रांच में आसानी थी, ब्रांच नई एस्टेब्लिश हुई थी, ब्रांच में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, मगर हेड ऑफिस पहले से था और हेड ऑफिस की ओपनिंग बैलेंसेस थे, और ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ थे, तो वो जो सवाल में बैलेंस शीट दी हुई थी वही सारे ओपनिंग बैलेंसेस थे। तो आपने जब उठाना है, जैसे मिसाल के तौर पे पहला आइटम आप यहाँ लिखेंगे कैश, तो कैश अब आप यहां से नहीं गिनना शुरू करेंगे बल्कि सबसे पहले आप जाएंगे हेड ऑफिस की पुरानी दी हुई बैलेंस शीट पे। ठीक है, जाके देखिए कि हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में हेड ऑफिस का कैश कितना मेंशन किया गया है।
तो आप देख सकते हैं कि हेड ऑफिस का जो कैश मेंशन किया गया है वो कैश है इस वक्त आपके पास हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में मौजूद है 22,150। ठीक है, हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में कैश था 22,150। उसके बाद कैलकुलेटर उठाइए, तमाम ये कैश जो है ये माइनस कीजिए, ये कैश प्लस कीजिए, ये कैश माइनस कीजिए, ये प्लस कीजिए, ये माइनस कीजिए, यानी कैश जो पुराना है ओपनिंग वो लीजिए, जहां जहां डेबिट हो रहा है प्लस कीजिए, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है वहां से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, और आखिरी जो बैलेंस कैश का आएगा इस वक्त हेड ऑफिस के पास वो शायद आ रहा है सिर्फ 1,350 का बैलेंस। तो कैश के सामने लिखिए 1,350। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस निकालते वक्त भी सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल जाइए, बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस उठाइए और देखिए कि बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस, मुझे जरा शीट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक व्यू में नहीं आ रहा है जैसे था, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए बोल रहा हूँ, 13,825 रुपए अकाउंट रिसीवेबल था, डेबिट साइड में था। उस 13,825 में ये 52,500 अकाउंट रिसीवेबल प्लस कीजिएगा और ये वाला अकाउंट रिसीवेबल क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आएगा वो बैलेंस होगा 9,525 रुपए। ठीक है, प्लीज जरा सा थोड़ा सा यार मल्टीटास्किंग होके देखिएगा, मत कंफ्यूज होइएगा, बैलेंस शीट्स उठाते जाइएगा। कैश और अकाउंट रिसीवेबल के बाद लिख लीजिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑब्वियसली हमेशा एंडिंग आती है, कोई मसला नहीं है, एंडिंग 24,000 थी, यहाँ पर आप 24,000 एंडिंग लिख दीजिए। अब उसके बाद जो अकाउंट आ रहा है ये है सबसे मेन अकाउंट जो हेड ऑफिस की पुरानी बैलेंस शीट में नहीं था, इसी दफा आएगा और वो आएगा कौन सा अकाउंट, वो आएगा ब्रांच का अकाउंट। यही वो अकाउंट चीज है जो आपके पास इससे पहले मौजूद नहीं थी। इस दफा हेड ऑफिस के दूसरे तमाम एसेट्स में एक नया एसेट का इजाफा हो रहा है और वो एसेट्स कौन सा है, ब्रांच का एसेट्स है। तो जिस तरह ब्रांच की बैलेंस शीट में हेड ऑफिस आया था, इसी तरह हेड क्रेडिट साइड पर, इसी तरह हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में डेबिट साइड पर ब्रांच आएगा। कैसे निकालेंगे, चूंकि इस वक्त ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पुरानी बैलेंस शीट में ब्रांच नहीं था, तो सिर्फ इसी जगह से शुरू करेंगे और लेंगे। अगर मैं वापस थोड़ा सा कैमरा राइट पे कर दूं ताकि आपको विजिबिलिटी सही हो जाए, पूरी एंट्री आ जाए आपके सामने, आई बिलीव कि आ जाए, आई नहीं आई, थोड़ा सा और करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ब्रांच जो है डेबिट है, ब्रांच डेबिट है, डेबिट डेबिट प्लस, और फिर ब्रांच क्रेडिट है माइनस, फिर ब्रांच डेबिट है प्लस। तो जितने डेबिट और क्रेडिट है इन सबको प्लस माइनस करिए, इसका बैलेंस वही आना चाहिए जो 30,650 बन रहा था। ये वही बैलेंस होगा जो बैलेंस मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में कहा था ना कि जब ब्रांच की बैलेंस शीट बनाई थी जितने अमाउंट से वहां पर हेड ऑफिस क्रेडिट था उतने अमाउंट से यहां पर ब्रांच डेबिट होगा। यही बैलेंस है जो बराबर नहीं होता था, तो वो हम रिकंसिलिएशन वाला सवाल करते थे कि ब्रांच के मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन ट्रांजिट में रह गई, या कोई अकाउंट रिसीवेबल था जो इधर नहीं रिकॉर्ड हुआ उधर रिकॉर्ड हो गया। यही दोनों को बराबर लाने के लिए हम वो रिकंसिलिएशन वाला क्वेश्चन इस्टेब्लिश करते थे, लेकिन चूंकि इस वक्त दोनों हमारा बराबर है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कोई ऐसी चीज करने की, दोनों बैलेंस बराबर हैं। हाँ, मगर ये जरूर है कि हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में यहाँ पर हमेशा एक चीज लाजमी माइनस होगी, और वो चीज माइनस होगी जो अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन है। देखिए, अब अगर आप मुझसे लॉजिक पूछेंगे कि ओवर वैल्यूएशन क्या है तो मैं अभी बताता हूं, लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ पे क्यों लेस हो रहा है और क्या लेस हो रहा है और कितना लेस होगा। तो सबसे पहले जवाब है कितना लेस होगा, तो हमेशा इस जगह से वही बैलेंस लेस होगा जो ओवर वैल्यूएशन एंडिंग इन्वेंट्री का है। एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन बैलेंस जो है वो था सिर्फ 2,000, वो आप निकाल सकते हैं, सवाल देख सकते हैं,
मैंने पहले सॉल्व किया था, कल की क्लास में था, कल की क्लास की पिक्चर देख सकते हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे शो होगा, ये आएगा। तो पहला जुमला सुन लीजिए, दोबारा से जहन नशीन कर लीजिए, जब भी आप हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनाएंगे, हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में ब्रांच का बैलेंस जो लिखेंगे, अगर ओवर वैल्यूएशन होगा तो वो लेस होगा। समझ में आई बात? क्योंकि अगर ओवर वैल्यूएशन नहीं है तो फिर तो बराबर ही बराबर रहेगा, लेकिन अगर ओवर वैल्यूएशन है तो इसमें से ओवर वैल्यूएशन लेस करेंगे। वो जो कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला सवाल है जो मैंने आपको कहा करने को, जिसमें जो पहले CAC BR 2 नहीं लिखा हुआ जिसपे, उसमें देखोगे कि ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों बराबर कॉस्ट पे, और इसीलिए वो सवाल करवाया था और कहा था कि पहले उसको जरा करना देखना, क्योंकि उसमें ओवर वैल्यूएशन नहीं है तो दोनों बराबर हैं, समझाने में आसान है। यहाँ लाजमी, लेकिन चूंकि ओवर वैल्यूएशन था, अब सवाल ये है कि फिर से दोहरा देता हूं, हमेशा हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में ब्रांच का अकाउंट जितना आएगा उसमें से माइनस होगा एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन। फिर कह रहा हूं, ब्रांच के बैलेंस में से लेस होगा एंडिंग इन्वेंट्री का, टोटल नहीं, बिगनिंग नहीं, एंडिंग का ओवर वैल्यूएशन लेस होगा। अब सवाल का जवाब दे देते हूं, क्यों लेस होगा? वजह यह है बेटा, देखो बैलेंस शीट में हर चीज को, एक क्लास में बताया भी था कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए, यानी एक्चुअल हुआ क्या कि हम जब ब्रांच को भेज रहे थे 25,000 की चीज, उसको बता कितनी रहे थे 30,000, तो हम 5,000 ज्यादा बता के भेज रहे थे, तो ब्रांच की वैल्यू को हम 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं, तो सबके 5,000 बढ़ाना नहीं चाहिए, असल में ब्रांच की वैल्यू 5,000 से कम है। फिर से कि फिर 5,000 लेस क्यों नहीं कर रहे आप यहां से? तो वजह यह है कि उस 5,000 में से 3,000 का तो हम क्या कर चुके हैं, प्रॉफिट कमा चुके हैं, तो ब्रांच की जो 5,000 की भेजी हुई ज्यादा इन्वेंट्री थी उसमें से बाकी तो बिक के प्रॉफिट आ गया। असल में अभी जो सही मानों में जो इस वक्त ब्रांच के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो ओवर वैल्यूड है वो सिर्फ है 2,000, इसलिए हमेशा यहां से 2,000 लेस होगा। और ये लेस होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 28,650, ठीक है, ये 28,650। इसी के साथ यहाँ पे इसके बाद लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 आएगा, और आखिर में हेड ऑफिस के पास अपना एक फिक्स एसेट था इक्विपमेंट, उसकी नेट वैल्यू लिख लेना, और वो वैल्यू उठाओगे कहाँ से? तो वो वैल्यू उठाओगे पुरानी बैलेंस शीट से, देखो उसमें 10,000 था, और अलाउंसेस फॉर डेप्शन लेस करोगे, अगर चाहे इस दफा का 900 था अलाउंसेस फॉर डेप्शन, लेकिन पुरानी बैलेंस शीट में भी डेप्रिसिएशन था, तो वो वाला डेप्रिसिएशन और ये वाला डेप्रिसिएशन मिलाकर जो बन रहा है वो बन रहा है 3,100, बल्कि मैं तो नेट लिख रहा हूँ, तो 10,000 से 3,100 माइनस करोगे तो 6,900 रुपये आपके पास आएगा। तो याद रहे, इक्विपमेंट की वैल्यू कहाँ से लेनी है? पुरानी बैलेंस शीट से लेनी है, जो कि पुरानी बैलेंस शीट में 10,000 है, उसमें से अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन लेस करना है, दोनों बिगनिंग और इस साल का मिला के, अलग अलग दिखाना होगा तो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से अलग अलग देख लो, वहां मैंने अलग शो किया, यहाँ जगह की तंगी की वजह से डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ। तो अब इसके बाद जब टोटल किया तो 71,425 आपके पास दोनों का एसेट साइड का टोटल बैलेंस आ रहा है। इसी तरह आप लायबिलिटी साइड पर आ जाओ, तो लायबिलिटी साइड पर अकाउंट पेबल, फिर अकाउंट पेबल कहां से उठाना? बैलेंस शीट से, देख के बता देता हूं कितना था बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में अकाउंट पेबल था 11,400, क्रेडिट में था उसमें ये 61,250 प्लस करो, ये 62,000 माइनस करो, तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस सिर्फ जो बचेगा वो बचेगा 10,650। रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना अगर नहीं समझ में आया हो, अकाउंट पेबल क्रेडिट था, यहाँ से माइनस प्लस करके ये पहुंचे। अक्रूड एक्सपेंसेस की वैल्यू 700 हो जाएगी, क्योंकि ये आपके पास वही वैल्यू आती है जो एंडिंग की है। और उसके बाद कैपिटल का बैलेंस कोई चेंज नहीं, क्योंकि प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में डाला था, तो कैपिटल का बैलेंस जो आएगा वो आएगा 50,000, और 50,000 के बाद रिटेन अर्निंग का बैलेंस। अब रिटेन अर्निंग में पहले से कुछ प्रॉफिट मौजूद था, वो प्रॉफिट था 2,710, उस 2,710 में
डायरेक्ट या तो ये वाला प्रॉफिट ऐड कर लो, नहीं तो अलग अलग है, तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट प्लस ब्रांच का लॉस लेस और फिर ओवर वैल्यूएशन, तो बात वही है कि यही वाला आएगा और टोटल बना के ये बनता है 10,075 रुपए। प्रॉपर मैंने वहां लिखा हुआ है बुक्स में से देख लीजिएगा, टोटल दोनों जाने पे यही बनता है 71,425 रुपए। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट आपके पास ब्रांच का हेड ऑफिस का अकाउंटिंग साइकिल। तो अब आप लोगों का काम यही है कि देखो ये मैंने बड़ी तेजी के साथ पढ़ाया है, टाइम में लगा है कर दिया है, लेकिन ये आप लोगों को बहुत तवज्जो के साथ बहुत तफसील के साथ करना, ये सवाल लाजमी आता है, और अगर ये आ गया तो फिर समझ लो कि तुम्हें ब्रांच अकाउंटिंग के सवाल करने से इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ अब एक चीज रह जाती है और वो रह जाती है कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, मगर वो क्वेश्चन में मैं जब हाथ लगाता हूँ लगाऊंगा जब तुम सब लोग बता दोगे कि ये वाला पोर्शन हमें सर अच्छी तरह आ गया। याद रखना, मुझे इंटीमेट जरूर करना कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर को ये शायद आपके पास वेडनेसडे को पहुंचेगा, सखियसन वालों आप लोगों को भी इसी दिन मिल जाएगा, तो आप लोगों को वेडनेसडे को पढ़ने के बाद मुझे थर्सडे तक फ्राइडे तक इन्फॉर्म कर देना, ताकि मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास मेरे आपकी मैं सैटरडे को रिकॉर्ड करवाऊंगा तो मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात अगर वैसे दे सकूं, वरना यहाँ बता सकूं, दो चार जो भी सवाल हैं वो मुझे सेंड करना जिस हद तक मैं उस वक्त निपटा सकूंगा व्हाट्सएप पे, वरना यहाँ रिकॉर्डिंग में आपके क्वेश्चंस को वन बाय वन करके आंसर करूंगा। ठीक है, तो जहन नशीन कर लीजिए किस तरह करना है, रिपीट कर रहा हूँ। पहला काम ब्रांच की इनकम पूरा साइकिल, उसके लिए आपने ब्रांच की जनरल एंट्री बनाई, ब्रांच का इनकम, ब्रांच की एडजस्टिंग एंट्री बनाई, ब्रांच की क्लोजिंग एंट्री बनाई, ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट, ब्रांच की बैलेंस शीट। दो सवाल फाइव ईयर में तो होंगे ही, दो पुराने सवाल मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने उसको भी प्रैक्टिस करना है। लेकिन बैलेंस शीट अगर हर सवाल में ना बना सके तो नहीं बनाइएगा, उसकी वजह यही होती है कि बाद सवाल में डेटा तफसीलन नहीं होता तो हम वहाँ बैलेंस शीट नहीं बना सकते। अक्सरियत सवाल के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट तक तो पहुंच सकते हैं, यानी जनरल एंट्री बना लेंगे, एडजस्टिंग एंट्री बना लेंगे, क्लोजिंग एंट्री बना लेंगे और बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, वो इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, क्लोजिंग और इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट के लिए जरा डाटा ज्यादा चाहिए होता है, बाद सवाल में बैलेंस शीट बन जाएगी, बाद सवाल में ब्रांच की बैलेंस शीट नहीं बनेगी, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए सारे क्वेश्चन में जिस हद तक कर सके कर लें, जिसमें समझ में ना आए पूछ लीजिए कि क्या है। तो एक निश्चित में मेरी गुजारिश फिर आप यही से है कि आज की क्लास लेने के बाद एक निश्चित में बैठकर दोबारा से सारा सवाल एक दफा रिवाइज कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है या 2011 प्राइवेट का क्वेश्चन है, उसको पूरा रिवाइज कीजिए ताकि आपको ये सब चीजें बनाने आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट जो चीज होगी उसके लिए जरूरी होगा कि तुम लोगों को ये इन चीजों पर अच्छी तरह कमांड हासिल हो, फॉर्मेट याद हो जाए, चीजें याद हो जाए। लाजमी है कि आप इसको खुद से करें, वो खोलें रजिस्टर, मेरे एक्सेल की शीट खोलें, उस एक्सेल की शीट के साथ बैठकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तीन दफा चार दफा पांच दफा एक ही सवाल को बार बार कर लें ताकि स्टेप्स याद हो जाएं, चीजें याद हो जाएं, फिर जाके आप दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उस पर काम करें तो आएगा। ठीक है, और मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास तक, वॉइस नोट भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए, जिस हद तक हो सके बताइएगा, कोशिश तो मैंने की है लेकिन टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा है, और अच्छे से बता सकूंगा जब तुम लोग कर लोगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट जवाब का इंतजार करता हूँ आप लोगों के, आप जैसा जवाब देंगे उसके हिसाब से अगला लेक्चर प्लान करूंगा। ठीक है, सी यू, अल्लाह हाफिज़।